मैहर जिले में ग्रामीणों ने जो कर दिखाया है उसकी तारीफ न सिर्फ गांव में बल्कि जिले के दूसरे गांवों में भी हो रही है। बारिश में आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने पहले तो शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की थी, लेकिन जब किसी ने इनकी सुध नहीं ली तो आखिरकार निराश ग्रामीणों ने समस्या का समाधान खुद ही निकाला। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मामला मैहर जिले के रामनगर के करौंदिया गांव का है। कहने के लिए यह गांव नगर परिषद न्यू रामनगर का हिस्सा है, लेकिन एक दशक से नगर परिषद यहां रहने वाले लोगों के लिए एक पुल तक मंजूर नहीं कर सका है। करौंदिया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण स्कूल, कॉलेज, खेती और रोजगार के सभी साधन सुविधाएं पूरी तरह से बाहरी क्षेत्र पर निर्भर है। नदी के उफान के कारण घरों में कैद रहना पड़ता है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने भी 7 दिन के अंदर रास्ता और पुल की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं हुआ। इस समस्या से निपटने को ग्रामीणों ने जुगाड़ से पुल तो बना लिया है, लेकिन यह खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीण ने बताया कि इस पुल की बहुत जरूरत थी। कई बार शिकायत करने के बाद जब पुल नहीं बना तो सभी गाँव वालों ने इकट्ठा होकर बांस और बल्ली का पुल बना दिया। अब लोग इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। समस्या यह है कि यह गांव करौंदिया रामनगर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आवत है। यहाँ हम पंचे घर बनाकर यहाँ निवास कर रहे हैं और यहाँ पानी भरा है, रास्ता जाम ही, प्रशासन कोनों में से सुविधा नहीं दे। हम पंचे लकड़ी के ही और नागा बनाए के ही एम गुजर पसर का थे। आवेदन मंत्री अधिकारी कर्मचारी सब तक दे चुका है आदमी, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो। लड़का बच्चा आम जाए माही परेशान है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती, स्वास्थ्य खूब खराब हो जाए तो आम जाम माही भारी कठिनाई। यह कितने लोगों को यहाँ आवास मिला है? यहाँ हमारे में लगभग 10 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन शासन रोड और पुलिया नहीं बनवा रहे। कितनी जनसंख्या? लगभग 150। क्या नाम लिखते हैं आप? नथुलाल पटेल। यह गांव में आम जाए की समस्या बहुत ज्यादा है और यहाँ न कोनो पुल बनी है और सरकार की तरफ से न कुछ। यहाँ लकड़ी वाला पुल बना के आदमी बाद में निकलत है। एक ही पहले जब भरकम पानी रहते है तो आदमी पानी से निकलत है, लड़कन का कंधा में टांग के निकालने को पड़ता है और चक्कर है कि फिर कहो से बाकी न दुपहिया आदमी निकाल सके। वही बहुत बड़ी समस्या रहती। आप लोगों द्वारा पुल का निर्माण भी किया गया है क्या? हाँ, हम लोग यह लकड़ी के पुल हर साल बनावत है। आदमी गिरू जाते, पिछले साल गिर गया है तो काफी आदमी, एक आदमी दो आदमी मरे से बच गया है। तो आते हैं, पैसा कौन देता है? पैसा हुई गया सब ग्रामवासी सब सहयोग करके और यहाँ निर्माण किए जाते हैं। ये में खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि पानी मतलब 7-8 फीट पानी भरा रहता है यहाँ पास। अगर कौनो बच्ची बच्चा गिर गए तो मृत्यु हो सका थी। अगर रात में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्या उपाय करते हो हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए? तो वही बहुत सारी फिर दिक्कत हो जाती है उसको, फिर कंधे में लाद के या कि मतलब बहुत उसको तकलीफ हो जाती है आने जाने में। हम लोग इसकी शिकायत सब कलेक्टर तक गई हुई है, सूचना यह नगरीकरण में भी गई हुई है, पर हो गया एक दिन के बाद कोई नहीं आता। एक दिन आते हैं और बोल देते हैं कि ये बनवा देंगे, इसके बाद फिर कोई नहीं आता। दूसरे ही दिन से हो गया सब बंद हो जाता है। सिर्फ मात्र आपको आश्वासन मिला? आश्वासन बस मिलता है। उमाकांत पटेल। मामले में रामनगर SDM आरती सिंह ने मीडिया से कहा कि समस्या को लेकर CMO से हुई है। उनकी जानकारी दी गई कि बजट को लेकर समस्या बनी हुई है, जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चार नगर परिषद रामनगर में आता है, वहाँ के ग्रामीण आज एक नाले से गुजर रहे हैं। अभी एक शायद पुल बनाया है बांस का, वो भी कमजोर है। क्या कार्रवाई करेंगे आप उसमें? इसमें मेरी CMO नगर परिषद से बात हो गई है। उनका कहना है कि ये मैटर पहले भी संज्ञान में आया था और बजट इशू होने के कारण पत्र लिखा गया है, बजट की डिमांड की गई है। एज सून एज बजट अराइव हो जाएगा तो वो काम प्रायोरिटी से कर दिया जाएगा। कब तक हो जाएगा? वो तो बजट आएगा तब तक किया जाएगा। मैडम, इसमें जो है
पूरे मध्य प्रदेश में 99 नगर पंचायत है, जिसमें खाली रामनगर एक नगर पंचायत ऐसी थी जिसके पार क्रमांक 4 में आज 10 वर्ष बीत चुके हैं, और नगरीय क्षेत्र जो है शहरीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके पश्चात भी लोगों को निकलने के लिए 150 आबादी के गाँव में निकलने के लिए लोगों को कोई व्यवस्था नहीं। तो इस संबंध में आप उसी क्वेश्चन को वापस बना के बोल रहे हैं। नगर का एक मामला है, स्टेडियम बंद रहता, आप बताइए ना मैम, देवराज नगर के स्टेडियम का जो मैटर है ये अभी आपने संज्ञान में डाला है, इसमें हम ग्राम पंचायत से बात करेंगे। स्टेडियम को ज़रूर खुलवाया जाएगा, स्टेडियम बना है तो वो उपयोग में आना चाहिए, और मैं इसको देखूंगी कि वो उपयोग में आए। देवराज नगर में एक स्कूल भी है, 12th तक है, पूरी खंडहर है, और उसमें बच्चे मौत के साए में पढ़ रहे हैं, पूरा सज्जा स्कूल का गिरता है, पूरे टीचर ने जानकारी दी है, बच्चे डर रहे हैं पढ़ने के लिए, इसमें क्या? इसको मैं शिक्षा विभाग से बात करके देख लेती हूँ कि क्या उसकी PWD से कंडेम की परमिशन आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अगर आ गई होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था करवा करके ज़रूर उसको किया जाएगा।